वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। गुना में प्रवासी मजदूरों के कंटेनर और बस की भिड़ंत, 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 55 घायल, कंटेनर का ड्राइवर फरार। कंटेनर में सवार थे कई मजदूर परिवार, महाराष्ट्र से जा रहे थे यूपी। मुजफ्फरनगर में पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस ने कुचला, 6 की मौके पर मौत। पंजाब से बिहार जा रहे थे मजदूर, हादसे में 12 लोग घायल। मुजफ्फरनगर हादसे पर अखिलेश यादव का ट्वीट, वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती, इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं कि जमीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए। समस्तीपुर में मजदूरों को लेकर जा रही बस के साथ ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 27 घायल। कानपुर में अहमदाबाद से लौट रहे मजदूरों का ट्रक हादसे का शिकार, 2 मजदूरों की मौत, 40 घायल। भटिंडा में सैकड़ों मजदूर स्टेशन पहुंचे लेकिन नहीं आई ट्रेन, मजदूरों ने कहा उनको ट्रेन आने का भरोसा देकर बुलाया गया था स्टेशन। कच्छ गांधीधाम में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, कांडला गांधीधाम हाईवे पर जाम लगाया, यूपी भेजने का इंतजाम करने की मांग। पन्ना में दिखी प्रवासी मजदूरों की दर्द की दास्तान, एक मां विकलांग बेटे को कपड़े की डोली में लाठी पर टांग कर सूरत ले आई। देश भर में कोरोना के मामले 78,000 के पार, 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना से अब तक 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत, 26,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 25,000 से ज्यादा मरीज की संख्या, अब तक 975 लोगों की मौत। गुजरात में 9,200 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 566 की मौत। दिल्ली में 7,900 के पार पहुंचा आंकड़ा, 106 लोगों की हो चुकी है मौत। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़, तलाशी अभियान के दौरान घिरे 3 से 4 आतंकवादी। कुलगाम के एक गांव में छुपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं, सुरक्षा बलों ने भी की जवाबी फायरिंग। हाल में शुरू की गई एसी स्पेशल ट्रेन के रेलवे ने कुछ नियम बदले, अब वेटिंग टिकट भी मिलेगा। इंदौर में दिखी प्रवासी मजदूरों की सबसे दर्दनाक तस्वीर, बैल की जगह गाड़ी खींचता दिखा तंगहाली का शिकार एक मजदूर। गांव जा रहे इस मजदूर को तंगहाली की वजह से एक बैल बेचना पड़ा, मजबूरी में खुद दूसरे बैल की जगह खींची गाड़ी। गुजरात के वलसाड में स्टेशन की तरफ चली मजदूरों की भीड़, गांव भेजने की मांग। उन्नाव में कुछ पुलिस वाले क्वारंटीन, टोल नाके पर मारे गए मजदूर का शव लेने आए घर वालों को निकला कोरोना, उन्हीं के संपर्क में आए थे पुलिसकर्मी। दानापुर में बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान को कोरोना, जवान की पत्नी और बच्चे समेत 21 लोग क्वारंटीन। सोनीपत में रेप के आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए 4 पुलिस वाले, 3 जेल स्टाफ को किया गया क्वारंटीन। राजस्थान मूल के लोगों को विशेष उड़ानों से लाने की योजना, 500 लोगों को सऊदी अरब से लाकर जैसलमेर में किया जाएगा क्वारंटीन। लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है लेकिन जयपुर में लोग दिखे लापरवाह, एमआई रोड पर लगा गाड़ियों का तांता। कोरोना काल में दिल्ली में एक युवक 50 दिन से कार में रहकर कर रहा है गुजारा, जिन रिश्तेदारों के यहां रहता था उन्होंने घर से निकाला। हरदोई में कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में घर के बाहर घूम रहे लोगों को मना करने पर पुलिस को पड़ा भारी, लोगों ने जमकर किया पथराव। असम के कोरोना के 15 नए मामले, तादाद 79 पहुंची, कई लोगों को किया गया क्वारंटीन। गुरुग्राम में कोरोना के 5 नए मामले, सहरौली, बसई और शीतल कॉलोनी में मिले मरीज, संक्रमित लोगों की तादाद 166 पहुंची। यूपी बिहार के मजदूरों ने दिल्ली में नेशनल हाईवे 24 को किया जाम, दिल्ली में सुविधाएं ना मिलने का लगाया आरोप। राजस्थान के जलौर में घर लौट रहे प्रवासियों ने बढ़ाई इलाके की मुसीबत, 2800 प्रवासियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। कठुआ में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने जीता लोगों का दिल, राजबाग में 6 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाया गया। कोरोना संकट के बीच सांप्रदायिक एकता की बनी मिसाल, हिंदू युवक ने 380 किलोमीटर का सफर कर मुस्लिम दिव्यांग को जोधपुर से यूपी पहुंचाया। लुधियाना से चली 5वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1100 मजदूर पहुंचे सीतामढ़ी, कोरोना के लक्षण दिखने पर 1 दर्जन लोग किए गए क्वारंटीन। इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदियों ने बढ़ाया कोरोना वॉरियर्स का हौसला, सम्मान में गाने गाए। अगरतला में एक और बीएसएफ जवान को कोरोना, त्रिपुरा में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 156। अगरतला में प्रदेश कांग्रेस और अध्यक्ष ने 250 गांव वालों को बांटा राशन, घर में ही रहने की दी सलाह। जोधपुर में सुदर्शन सेवा संस्थान नाम के एनजीओ ने 22,000 परिवारों को दिया राशन, 250 बस्तियों में रोज दे रहा है मदद। सागर में जैन संतों के स्वागत में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां, भीड़ जुटने पर 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। मुंबई से 1250 प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन भागलपुर पहुंची, स्टेशन पर सभी मजदूरों की जांच की गई। वाराणसी में एसी कंटेनर में महाराष्ट्र से बिहार जा रहे 50 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा, सभी को किया गया क्वारंटीन।
सहारनपुर में फंसे बिहार के मजदूरों का हंगामा, घर वापसी का इंतजाम नहीं करने पर नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए नारे। मुंबई के नागपाड़ा में सैकड़ों प्रवासी मजदूरों का बवाल, घर भेजने की मांग पर अड़े। नांदेड़ में फंसे यूपी के लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन रवाना, डेढ़ महीने से फंसे लोगों ने ली राहत की सांस। मथुरा के माठ इलाके में 8 लाख की अवैध शराब बरामद, फूड सप्लाई लिखे ट्रक में लदी थी शराब, तरबूज के बीज छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी। ग्वालियर में पुरानी रंजिश में बाइक सवार दूधिये का कत्ल, स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन बदमाशों ने बरसाई गोलियां। आजमगढ़ में मासूम से गैंगरेप, दरिंदगी का आरोप पड़ोसियों पर, पुलिस ने केस दर्ज किया लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं। अलीगढ़ में ऑटो की बाइक से टक्कर के बाद हंगामा, दबंगों ने डॉक्टर पर की फायरिंग, वारदात का वीडियो वायरल। दिल्ली सटे नोएडा में एक फ्लैट में मिली 32 साल की महिला की लाश, परिवार के सदस्यों को ढूंढ रही है पुलिस। बिहार के बक्सर में सदर विधायक की गाड़ी में हो रही थी शराब तस्करी, विधायक बोले मेरी गाड़ी में क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। जलंधर में एसआई को कार के बोनट पर घसीटने वालों को मिली जमानत, घर वालों ने पंजाब के सीएम और डीजीपी से मांगी थी माफी। चित्रकूट में लड़की को अगवा करने की कोशिश, विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को घायल किया। एमपी के झाबुआ में बहू ने सास को सड़क पर घसीट घसीट कर पीटा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। बरेली के गांव में हथियारबंद दर्जन भर लोग के आने से दहशत, रंजिश में युवक की कर रहे हैं तलाश। ग्रीन जोन में शामिल शाहजहांपुर में पहला कोरोना मामला, एक दिन पहले मुंबई से आया था। चंदौली में मजदूरों को नरेगा का काम शुरू होने से राहत, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हो रहा है काम। दुबई से 178 भारतीय अमृतसर लौटे, वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल फ्लाइट से हुई वापसी। कुवैत में 234 एमपी के लोग दो विशेष उड़ान से लौटे, एयरपोर्ट पर की गई सभी की स्क्रीनिंग। बैंगलोर से 1200 मजदूर अगरतला पहुंचे, कई दिनों से फंसे थे, ज्यादातर मजदूर आदिवासी इलाके के। नौगौर में खेतों में टिड्डियों के हमले से किसान परेशान, फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश की भिड़ंत, 10,000 का इनामी बदमाश ढेर। पुंछ में जनधन खातों से पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर ग्राहकों की भीड़, केंद्र सरकार ने मदद के तौर पर खातों में डाली है रकम। गाजियाबाद में लॉकडाउन के बीच राहत, प्रशासन की इजाजत के बाद मोबाइल सर्विस सेंटर खुले। अयोध्या में सब्जी किसान, लॉकडाउन की वजह से प्रभावित, सब्जियां नहीं बिकने से हालत खराब। लॉकडाउन के दौरान चोरी के मोबाइल खरीदने वाला एक शख्स गिरफ्तार, चोर और स्नैचर्स से संबंध। गाजियाबाद में महिला वकील की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, पति ने दो लोगों के जरिए दी थी सुपारी। नोएडा में युवती संदिग्ध हालत में मृत पाई गई, फ्लैट में मिला शव, परिवार के लोगों की हो रही है तलाश। सीहोर में व्यापारी के साथ मारपीट करने वाला एसआई निलंबित, लोगों में गुस्सा भड़कने के बाद लिया गया एक्शन। रांची में एक व्यापारी ने 5वीं मंजिल से कूदकर दी जान, मौत की वजह तलाशने में जुटी है पुलिस। धौलपुर में पुलिस की बड़ी कामयाबी, चंबल में आतंक मचाने वाले दो डकैत गिरफ्तार। भिंड में रेत खदान पर पुलिस और माइनिंग विभाग का छापा, करीब 1000 ट्रक अवैध खनन कर निकाली गई रेत बरामद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जालना में पुलिस ने अवैध गुटखा कारोबार पर कसा शिकंजा, 15 लाख से ज्यादा की खेप जब्त। इस साल में एक रेल हादसे में 3 बच्चों की मौत, मृतकों में 2 सगे भाई। आजमगढ़ में एक महिला पर प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराने का लगा आरोप, खोजी डॉग से तफ्तीश में मिली मदद। तमिलनाडु के कोयंबटूर में राहत भरी खबर, सभी 146 मरीज स्वस्थ, कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं। धारावी में एक दिन में 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, अब तक 1000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं बीमार। कोलकाता में बीएसएफ के 6 जवान ने कोरोना को दी मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। ममता बनर्जी ने कहा, कोरोना टेस्ट और स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवासी मजदूरों को मिलेगी घर जाने की इजाजत। स्पेशल ट्रेन से हजारों लोग पहुंचे अपने अपने शहर, दिल्ली स्टेशन तक पहुंची कई गाड़ियां। आज भारतीय रेल ने चलाई 9 और ट्रेन। प्रवासी मजदूरों के पलायन के बीच हल फूल रहा है ट्रक माफिया, मजदूरों को घर पहुंचाने के नाम पर वसूली। लॉकडाउन के बीच लगातार जारी है मजदूरों का पलायन, चंडीगढ़ में दिखा घर के लिए निकले मजदूरों का रेला। मजदूर दंपत्ति को देवरिया से नोएडा पहुंचाने के लिए डीएम ने किया कार का इंतजाम, गुजरात से ट्रेन के जरिए आए थे देवरिया, डीएम को दिया धन्यवाद। फतेहपुर में NH2 पर दिखा महाराष्ट्र की गाड़ियों का रेला, टैक्सी ऑटो साइकिल मजदूरों की घर वापसी। राजस्थान के पुष्कर में फंसे मजदूरों को ट्रेन के जरिए बिहार किया गया रवाना, चेहरे पर दिखी घर वापसी की खुशी। सीआईएसएफ में कोरोना वायरस की घुसपैठ, कोलकाता से 38 नए मामले, वायरस से एक मरीज की हो चुकी है मौत। नई दिल्ली के डीएम दफ्तर में तैनात सिविल डिफेंस के 8 अधिकारी संक्रमित, दफ्तर सील, डीएम क्वारंटीन। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से आए 700 विदेशी जमातियों पर शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज किए जब्त।
गाजीपुर सब्जी मंडी में दो कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 16 दुकानें सील, दो दिन के लिए मंडी बंद। नोएडा में कोरोना के 6 मरीज, 236 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, अब तक 3 मरीजों की मौत। प्रवासी मजदूरों में कोरोना के बढ़ते केस से यूपी में चिंता, योगी सरकार डेटा तैयार करने की, खतरनाक वायरस पर बात। यूपी के जलौन में दो स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने सील किया स्वास्थ्य केंद्र, सभी कर्मचारी क्वारंटीन। कानपुर में लॉकडाउन के बीच कोरोना योद्धाओं के लिए राहत की बारिश, चढ़ता पारा, बढ़ा रहा था परेशानी। बस में सवार होकर यूपी के अमरोहा पहुंचे कर्नाटक के मिलिट्री स्कूल के 32 छात्र, 8 दिन में पूरा किया 5000 किलोमीटर का लंबा सफर। यूपी के गोंडा से पश्चिम बंगाल निकले प्रवासी, थकने पर कहीं भी सड़क के किनारे ठहर कर बिताते हैं रात। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना सैंपल के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत, गांव में किया जाएगा टेस्ट। लुधियाना के उसवाल कैंसर हॉस्पिटल में कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन में कटौती का आरोप। औरंगाबाद पहुंचे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, जामा मस्जिद के क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लॉकडाउन की वजह से बढ़ी फरीदाबाद में केसर की खेती करने वाले किसानों की मुश्किल, बाजार बंद होने की वजह से नहीं बिकी फसल। झारखंड के रामगढ़ राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, 200 कार्ड धारकों के राशन वितरण के घपले का आरोप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।